नमस्कार, जीविशा चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जिसे सुन रहे हो उसका नाम है जया मिश्रा, और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिरर वर्क का हिंदी ट्रांसलेशन का सेकंड डे, दूसरा दिन, अपने आईने को अपना मित्र बनाना। आज आप बुनियादी मिरर वर्क व्यायाम का अभ्यास शुरू करने वाले हैं। अपने आप को और अपनी पुरानी धारणाओं के परे बारीकी से देखना सीखने वाले हैं। ये आपके मिरर वर्क का दूसरा ही दिन है। आप स्वयं को प्रेम करना और पसंद करना सीखना शुरू ही कर रहे हैं। अपने काम में डटे रहें। वो प्रत्येक दिन जब आप अपने और अपने जीवन के बारे में सोचने के इस नए तरीके का अभ्यास करेंगे, आपको उन पुरानी और नकारात्मक संदेशों को मिटाने में मदद करेगा जो इतने दिनों से आप साथ लेकर चल रहे हैं। जल्द ही आप पहले से अधिक मुस्कुराने लगेंगे और आपको आईने में देखना आसान लगने लगेगा। कुछ ही दिनों में आपको अपने कई एफर्मेशंस सच प्रतीत होने लगेंगे। अब मैं चाहूंगी कि आप एक छोटा जेबी आईना निकालें या अपने बाथरूम के आईने के सामने जाएं। बस आराम से खड़े होकर सांस लें, आईने में अपने आप को देखें, फिर अपने नाम का प्रयोग करते हुए कहें, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूँ। चलिए हम इसे फिर कहते हैं दो बार और, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ। कैसा महसूस हो रहा है? आप ईमानदारी दिखाते हुए कह सकते हैं कि ये कुछ अजीब या बेवकूफ़ी भरा लग रहा है, क्योंकि शुरुआत में ये वास्तव में अजीब और बेवकूफ़ी भरा काम लगता है, या शायद आपको ये एक मुश्किल काम लगता हो। ऐसा महसूस करने में कुछ गलत नहीं है। स्वयं को बिना शर्त प्रेम करना एक ऐसी चीज है जो आपने पहले कभी नहीं की है। अपने आप को ये भावनाएं महसूस करने दें। जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं वो एक शुरुआत है, आरंभ करने के लिए एक उत्तम स्थान है। मैं जानती हूँ कि स्वयं को मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या करती हूँ कहना आप में से कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। मैं ये भी जानती हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं, और मुझे बहुत गर्व है कि आप इस काम में डटे हुए हैं। मिरर वर्क आगे जाकर आसान हो जाएगा, मैं वादा करती हूँ। फिर भी यदि आपको मैं तुमसे प्रेम करता या करती हूँ कहना बहुत मुश्किल लग रहा है, आप इससे कुछ आसान चीज़ से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आप ये कहने की कोशिश कर सकते हैं, मैं तुम्हें प्रेम करना सीखने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करना सीख रहा हूँ। जब आप अपने आईने में देखें तो मैं चाहती हूँ कि आप कल्पना करें कि आप नर्सरी के किसी बच्चे से बात कर रहे हैं। अब अपने नाम का प्रयोग करते हुए इस भीतरी बच्चे से कहें, जया मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं सच में तुमसे प्रेम करती हूँ। जितना अधिक आप अपने मिरर वर्क का अभ्यास करेंगे उतना ही आसान होता जाएगा, लेकिन याद रखें कि इसमें समय लगेगा। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप अपने मिरर वर्क का अभ्यास बार बार करने की आदत डालें। एक बार सुबह उठते ही इसे करें। जब भी आप कहीं जाएं, अपने साथ एक जेबी आईना लेकर चलें, ताकि आप उसे बार बार निकाल कर स्वयं से एक प्रेम भरा अफर्मेशन कह सकें। आइए अफर्म करें, मैं सुंदर हूँ, मैं अद्भुत हूँ, मुझे कोई भी आसानी से प्रेम कर सकता है। आपका दूसरे दिन का मिरर वर्क अभ्यास, पहला, अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाएं, दूसरा, अपनी आंखों में देखें, तीसरा, अपना नाम लेते हुए ये अफर्मेशन कहें, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ, फिर अपना नाम लेकर यही कहें, जया मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, मैं सच में तुम्हें प्रेम करती हूँ। चौथा, कुछ पल और निकालकर दो या तीन बार और कहें, मैं सच में तुम्हें प्रेम करती हूँ, उसके बाद अपना नाम लें। पांचवा, इस वचन को बार बार दोहराते रहें। मैं चाहती हूँ कि आप एक दिन में कम से कम 100 बार इसे दोहरा पाएं। हाँ, आपने ठीक पढ़ा या ठीक सुना, एक दिन में 100 बार,
मैं जानती हूँ कि आपको बहुत अधिक लग रहा है, लेकिन सच में जब आप रो में आ जाएंगे, फ्लो में आ जाएंगे, तो 100 बार ये कहना आपको आसान लगेगा। छठा, इसलिए जितनी बार आप आईने के सामने से गुजरें या अपना प्रतिबिंब देखें, बस इस अफर्मेशन को दोहराएं। नाम लेते हुए, अपना नाम लें, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूँ। जब आप स्वयं से मैं तुमसे प्रेम करता हूँ कहना मुश्किल पाते हैं, तो ऐसा संभवतः इसलिए होता है क्योंकि आप स्वयं को परख रहे होते हैं, वो पुराने नकारात्मक संदेश दोहरा रहे होते हैं। डिसीजन लेने के लिए स्वयं को परखने की कोशिश करके अपनी परेशानी ना बढ़ाएं, बस आराम से रहें और अपने अफर्मेशंस कहने के लिए प्रतिबद्ध रहें। याद रखें, आप एक ऐसे अफर्मेशन के लिए प्रतिबद्ध हो रहे हैं जो सच है। सच ये है कि हम वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं तब जब हम स्वयं को परख नहीं रहे होते हैं। जब आप मिरर वर्क कर रहे हो तो हाथ में एक टिश्यू रखना अच्छा होगा, क्योंकि ये काम इमोशनल हो सकता है। अक्सर ये बहुत गहराई में दबी भावनाओं को बाहर ले आता है। सच्चाई ये है कि हम अपने प्रति बहुत निर्दयी रहे हो सकते हैं, इसलिए जब हम अपने आप से दोबारा प्रेम करना शुरू करते हैं तो हमें उस प्रेम रहित व्यवहार का एहसास होने लगता है जो हम इतने लंबे समय से करते आ रहे हैं, और ये एहसास हमें दुख पहुंचा सकता है, लेकिन वो दुख बाहर आ जाता है। इसलिए आप स्वयं को वो महसूस करने दें जो आप महसूस कर रहे हैं, और उन भावनाओं को स्वीकार करें, उनका आकलन ना करें। मिरर वर्क स्वयं से प्रेम करने और स्वयं को स्वीकार करने के बारे में ही है। मैंने आपको सुबह उठते ही मिरर वर्क का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया है। कभी कभी इस काम के लिए वो दिन का सबसे मुश्किल समय होता है, क्योंकि हमें लगता है कि सुबह हम अपने बेस्ट रूप में नहीं होते, लेकिन ये सिर्फ एक विचार है। और हम मिरर वर्क में जो करते हैं वो है बिना कोई विचार बनाए आईने में देखना, ताकि हम देख सकें कि हम वास्तव में हैं कौन। शक्ति आपके अंदर है। आपका दूसरे दिन का दैनिक अभ्यास। जीवन बहुत सरल है, जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। अपनी दैनिकी में निम्नलिखित प्रश्नों के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं लिखें। पहला, आपको क्या चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा है। दूसरा, जब आप बड़े हो रहे थे तो योग्य कहलाने के क्या नियम थे। क्या आपको योग्य कहलाने के लिए हमेशा कुछ करना पड़ता था। क्या आपसे कोई गलती होने पर आपसे चीजें ले ली जाती थी। तीसरा, क्या आपको लगता है कि आप जीवन जीने के योग्य हैं, खुशी पाने के योग्य हैं। यदि नहीं तो क्यों। जब आप इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो उन भावनाओं पर ध्यान दें जो आप महसूस करते हैं, उन्हें अपनी दैनिकी में लिखें। दैनिकी मतलब जर्नल या डायरी। दूसरे दिन के लिए आपका हार्ट थॉट, दिल की बात, मैं योग्य हूं। कभी कभी हम अपने लिए एक अच्छे जीवन का निर्माण करने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि हम उसके लायक नहीं हैं। ये धारणा कि हम उसके लायक नहीं हैं हमारे बचपन के अनुभवों से आई होती है। हम किसी और की अवधारणा या राय से अपने विचारों का निर्माण कर रहे होंगे, जिनका हमारी अपनी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। योग्य होने का अच्छे होने से कोई संबंध नहीं है। वो तो जीवन में अच्छी चीजों को प्राप्त करने के प्रति हमारी अनिच्छा है जो रास्ते में आ जाती है। स्वयं को अच्छी चीजें स्वीकार करने की अनुमति दें, चाहे आप स्वयं को उनके लायक समझते हैं या नहीं। आपका दूसरे दिन का ध्यान, प्रेम का एक व्रत। स्वयं को एक बहुत सुरक्षित स्थान पर खड़ा देखें। अपने सभी बोझ, दर्द और डर बाहर निकाल दें। पुराने नेगेटिव तरीके और व्यसनों को बाहर निकाल दें। उन्हें अपने से दूर जाकर गिरते हुए देखें। फिर स्वयं को अपने सुरक्षित स्थान पर बाहें फैलाए खड़ा हुआ देखें, ये कहते हुए कि मैं खुले मन का और ग्रहणशील हूँ।
अपने लिए वो घोषणा करने को तैयार जो आप चाहते हैं, वो नहीं जो आप नहीं चाहते। स्वयं को परिपूर्ण, स्वस्थ और शांत देखें, स्वयं को प्रेम से भरा हुआ देखें और इस स्थान में दुनिया के अन्य लोगों से अपने संबंध को महसूस करें। अपने अंदर के प्रेम को एक हृदय से दूसरे हृदय में जाने दें और जब आपका प्रेम बाहर जाए तो ये जान ले कि वो कई गुना बढ़कर आपके पास वापस आता है। आपको सुखद विचार प्रेषित करने हैं और जान ले कि ये सुखद विचार आपके पास लौट कर आ रहे हैं। इस ग्रह पर हम नफरत के व्रत में हो सकते हैं या प्रेम और उपचार के घेरे में। मैं प्रेम के घेरे का चुनाव करती हूँ। मुझे लगता है कि हम सब एक समान चीज़ें चाहते हैं, शांति से और सुरक्षित से रहना और स्वयं को रचनात्मक रूप से उन तरीकों से अभिव्यक्त करना जो हमें परिपूर्ण करते हों। दुनिया को प्रेम का एक अविश्वसनीय व्रत बनते देखें और ये दुनिया ऐसी ही है। और ये थी सेकंड डे की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छी चीज़ें अपने चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर की जानी चाहिए, तो शेयर ज़रूर कर दीजिए। और मुझे यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया।